So if I say that 7 years down the lane, the asset management will be done by a laptop, so that will make you redundant. Yes? Then what do you do? I think about it then. What you do is, you equip yourself with a skill set to match that. सही है. सो मशीन भी तो कोई ना कोई तो बैठ के बनाएगा ना, जो एल्गोरिथम जिसने डिजाइन करना है, जिसने वो इक्विटी साइड बाय साइड हो या सेल साइड, उसके डायनामिक्स उसके अंदर फीड करने होंगे. सो व्हाट विल हैपन इफ लेट्स से द सीईओ ऑफ द कंपनी रिजाइंस, मेरा स्टॉक प्राइस कहाँ पे जाएगी? व्हाट विल हैपन इफ आई हैव अ हैजर्ड और आई हैव अ मिसहैप ऑन माय प्लांट, मेरी स्टॉक प्राइस कहाँ पे जाएगी? यस. So all of this is catered for by the system, but you are the one who will tell it what to do and what not to do. So jo human interface hai for the foreseeable future will always be an added layer to that. This is the foundation of what we are here today, which is business analytics or data analytics per se. Mere saath Haroon Latif sahab yahan pe hain. Haroon Latif is मेरे सामने ये पूरा कैंपस बना. मुझे था कि शायद यहाँ पे एंट्री थोड़ा आसान है एज कम्पेयर टू ईएमई, लेकिन उतनी ही मुश्किल है यहाँ पर भी. उसके बाद जो है मैंने जॉब की डॉलर्स में एज प्रोडक्शन मैनेजर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर. उसके बाद फिर मुझे रियलाइजेशन आई कि यार आई वांट टू बी अ मार्केटियर, तो आई वेंट टू लर्न. वहाँ से मैंने अपना एमबीए किया. उसके बाद आई वर्क विद यूनिलीवर इन अ ब्रांड डिपार्टमेंट. फिर मैं जायज़ आ गया कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट साथ के साथ ही. उसके बाद डिपार्टमेंट चेंज इनटू कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग. आफ्टर कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग रिसेंटली आई एम पार्ट ऑफ देयर चैनल प्लानिंग टीम, जिसका काम होता है कि जितने भी चैनल हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके लिए प्रमोशंस निकालना, उसका इंसेंटिव स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना, और ये सारा कुछ करने के लिए साद फरीद का अप्रूवल चाहिए होता है मुझे. सो एवरीथिंग विच वी डू ओवर देयर इज स्पेशली विद साद, क्योंकि हम थोड़ा सा क्वालिटेटिव फैक्टर ज़्यादा नोट कर रहे होते हैं. साद को हार्ड कोर नंबर चाहिए होते हैं, अच्छा भाई कितना पैसा बनेगा. कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन जिसको आप लोग बोलते हैं. सो उसके अलावा हाँ, सो यहाँ पे मैंने जो रहा लाइक पैशनेट टू इम्प्रूव योर डिसीजन थ्रू डाटा. अब यहाँ पे पूरी लॉजिक क्या आ जाती है, बहुत मैं थोड़ा सा ज्यादा कमर्शियल वाला इंसान हूँ, मैं ज्यादा हैंड्स ऑन एक्शंस ले रहा हूँ, चीजें चेंज कर रहा हूँ. साथ वो ज्यादा होते हैं जो थोड़ा मेरे ऊपर फाइनेंशियल चेक होते हैं, नहीं क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, नहीं करेंगे, पैसे हम नहीं देंगे, ये मेरा काम है. लेकिन पैसे मेरे पास ही होते हैं मगर मैं अप्रूवल नहीं लूंगा. तो सारा कुछ क्या हो रहा है, सो देयर इज दिस सॉफ्टवेयर साइड टू अ बिजनेस जो हमें समझनी होती है, जो फिर मुझे साथ को भी समझानी पड़ती है. साथ में इस तरह नहीं चलते. वो जो दुकानदार है ना, उसको बस दिन का 100 रुपये ही खर्च करना है, उसको 1000 रुपये से ज्यादा नहीं उनसे खरीदेगा, उसको मैंने 100 रुपया देना है. साथ कहेंगे मैं उसको 70 रुपये, मैं कहूँगा 70 रुपये में मेरी बात नहीं मानेगा, यू नो. सो यू नीड टू डू ऑल दोज थिंग्स. लेकिन हम ये सारी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, वेयर आई एम सीइंग दोज क्वालिटेटिव पॉइंट्स, जहाँ पे रिटेलर क्या है आपको आपकी मार्केट इंसाइट्स लेनी है और उसको नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना एंड गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंस. आपको क्या लगता है, जब हम कोई प्रमोशन डिज़ाइन करते हैं या कोई भी मार्केटिंग कैंपेन आप डिज़ाइन करते हैं, तो उसके पीछे क्या हो रहा होता है? हम इसे किसी को भी आइडिया है? सो बेसिकली तो एक बजट मिलता है, बजट के ऊपर फिर वी ट्राई टू मेक गुड एस्टिमेट्स कि हमें रिटर्न क्या मिलेगा, ताकि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस केस बनाया जा सके. सो हाउ डू वी मेक द एंटायर प्रॉफिटेबल बिजनेस केस? रिसर्च और आवर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, क्योंकि जब भी आप आज खड़े होकर फ्यूचर का डिसीजन ले रहे हो ना, आप में से कौन है जो 100% श्योरिटी के साथ फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है? कोई भी नहीं. हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास्ट डिसीजंस हैं उनको देख के हम अपने फ्यूचर डिसीजंस जो है वो इम्प्रूव कर लें.
और ये सारा कुछ करने के लिए व्हाट डू वी रिक्वायर डेटा सो दैट्स व्हाट बिजनेस एनालिटिक्स फॉर मी क्योंकि ऑल आई हैव टू डू इज टेक अ डिसीजन एंड नेक्स्ट टाइम इंप्रूव माय डिसीजन राइट सो जो हरू साहब बात कर रहे हैं इसकी फाउंडेशन इज डेटा यस सो यू टॉक अबाउट बैलेंस शीट यू टॉक अबाउट इनकम स्टेटमेंट्स पीएनएल अकाउंट्स सबने पढ़े हुए होंगे राइट क्रेडिट डेबिट सारी चीजें हैं आपके पास एक जमाने के अंदर क्या अभी भी आजकल पाकिस्तान में हो रहा है कि जो लेजर्स होते हैं इतने बड़ी बड़ी किताबें होती हैं इतने मोटे मोटे वो रजिस्टर्स होते हैं और उसके अंदर मैनुअल एंट्रीज हो रही होती हैं राइट सो व्हाट इज दैट व्हाट डू यू कॉल दैट सॉरी बुक कीपिंग ओके व्हाट इज द एंट्री आई एम डूइंग इन दैट सर एनीबडी हाँ हाँ यू क्लोज डबल एंट्री ओके Anybody from that side? Expenses and income record कर रहे होते हैं इसको हम क्या बोलेंगे? Data entry. What's that? अपना? Yeah, I know about profit, but I don't have that. Right. Sorry, Mustafa. Mustafa. So Mustafa ने कहा कि that is data entry. Yes. The first layer for us accountants or finance managers. The problem is that how do we convert something जिसको मैं analyze कर सकूँ इतने मोटे register को मैं नहीं कर सकता ठीक है it will take me decades just to go through that one booklet क्या फिर क्या चीज कहाँ पे आ रही है फिर यहाँ से debit हुआ अच्छा वो फिर क्या आ गया उसकी you know so on so forth I cannot do that so what do we have the data gets translated or digitized on the laptop or computer. Henceforth, the process of digitalization comes into play. ठीक है? इतना बड़ा कोई random होगा। तो हम बात करते हैं data entry. Once that hard copy के ऊपर जो भी चीजें वो convert होने शुरू होती है, हम उसको digitization बोलते हैं। और वहाँ से फिर आपका data बनना शुरू होता है। ये वाली definition मैंने अभी आप लोगों को बता दी। ठीक है? क्या है data? और क्यों है what do we mean as finance manager marketing के लिए it will be a different definition yes yes sir great अच्छा this is just a background कि वो data generate किस तरह से होगा ठीक है अच्छा so anybody just hit me कि आपकी मुस्तफा आपकी favorite sorry आपकी favorite industry क्या है where do you aspire to work for CSS के brand ठीक है उसके अलावा anybody who is not aspiring to be CSS but wants to be in finance auto industry ठीक है auto industry के अंदर आप मुझे ये बताइए कि आपका COGS किस तरह से बनेगा आप किस सेमेस्टर में और आपका नाम बताइए एट सेमेस्टर उस्मान जानी ग्रेट उस्मान मुझे बताइए कि आपका COGS किस तरह से बनेगा I think it would include all relevant parts that go into assembling an automobile along with labor and इन सारी चीजों के लिए आप रजिस्टर से सारी चीजें उठाएंगे या आप क्या करेंगे एक सिस्टम इन प्लेस करेंगे जो कि इन सारी डेटा पॉइंट्स को पिकअप करेगा और सिस्टम में फीड करेगा ब्यूटीफुल नाउ कंसीडरिंग कि आप योर सुजुकी ठीक है कितना डेटा आपके पास होगा? A lot. Where are you going to place that data? In probably in some server. Beautiful. Is everybody with us right now? Yes. So yes, so we are talking about automation, digitalization, and what are we going to do with the data? So data की जो placement हो रही है इसमें, वो हमारे पास इस structure के अंदर हो रही है. सही है? I will not go into the depth of this right now because we are short on time. आपके डेटा बार्स हो रहे होते हैं सर्वर्स हो रहे होते हैं जो भी आपके ऑटोमेशन जो कि मशीन से आप लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक स्टील का इनपुट किया सो देयर आर सेंसर्स जो कि ये आपको बता रहे होंगे कि इतना अमाउंट ऑफ स्टील उसमें जा चुका है और वो सिस्टम विल फीड डायरेक्टली इनटू योर अकाउंटिंग सिस्टम व्हिच विल टेल यू कि यार द डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट बिटवीन 12 एएम एंड 12:05 एएम इज दिस मच पीके राइट नाउ दिस इज इतना इनॉर्मस इतना भयमत अमाउंट ऑफ डेटा होता है ये कि इसको हम इंसान बैठ के इसको नहीं मैनेज कर सकते सो वी हैव ऑल ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन प्लेस जो कि
आपके डेटा मार्च के अंदर वो सारी चीज़ें जारी होती हैं, फिर उसके ऊपर आप एक रिपोर्टिंग लेयर खड़ी करते हो। अच्छा, ये दिस माइट साउंड वेरी फैंसी, इट्स नॉट बाय द वे, ठीक है, इट्स जस्ट सिंपल लॉजिक एंड कॉमन सेंस। So once you have all of that data, then you can work on the analytical part and the visualization part, which helps you on the analysis part. So moving forward, all of this structure will help you towards business analytics. ठीक है? हम लोग यहाँ पे चार questions को address करेंगे। Usman, can you read? Question one: What is data and what do we mean by it? Question two: Why is data becoming more important? Question three: What is the future? Data-driven analytics and decision-making. Question 4. Is data-driven business analytics for me? This is my favorite question. Is this for me or not? Right. So the first thing is, what is data and what do we mean by it? We have already gone through that. Yes? Yes, sir. Why is data becoming more important? Anybody would like to take a shot? Sir, it is what we are using to make decisions. Your name, please. Temur, sir, please. Sir, it is what we are using. My name is Saad. You'll refer to me as Saad. Okay, Saad. Yeah, great. Thank you. So, Saad, this is basically the what we are using to make decisions. Mm-hmm. So that is why it's very important. Okay. What else? Anybody else? The back benches, whom I love. The sleeping pods. Okay. Anything. Yeah, please, a round of applause for this question. My question is, why is data becoming more important? Any comments, any feedback? Vaseem, please, thank you. Achha. So since data is becoming more and more important, that is why Vaseem, we are using more and more data. Achha. Just an idea, this was a slide which I said, isko chhod dete hain. This is a process which I'll skip. डेटा के साथ करते क्या है वसीम? डेटा के साथ हम करते क्या है वो? ठीक है फॉर एग्जांपल आपको अगर डेटा की टेस्टिंग इंडस्ट्री के लिए चाहिए फॉर एग्रीकल्चर एनालिटिक्स or the transportation analytics and so on. And even we ourselves are Facebook's data. We as the customers of Facebook and the social media. So they provide the data on us. Yeah, you study it, right? मैं लगा तुम उन स्टूडेंट जो आखिरी के आधे घंटे में पढ़ते जल्दी 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 बढ़िया आया था फिर आया था बी प्लस ए गुड ठीक है सो द प्रोसेस ऑफ व्हाट वी कैन डू विद डेटा सही है स्पेसिफिक टू द फाइनेंस वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बट द जेनेरिक वो आपको हारून लतीफ साहब विल टेक यू थ्रू सबसे पहले आपने बोला कि डेटा इज बिकमिंग इम्पोर्टेंट पहले डेटा एग्जिस्ट नहीं करता था या डेटा पहले था नहीं है और अब आ गया है Why is it becoming easy to use data now? Because we're designing intelligent machines and intelligent machines need data to learn patterns and basically learn to It's because of the digitization. क्योंकि सब कुछ डिजिटाइज हो गया हम डेटा जो है ज्यादा कैप्चर कर सकते हैं हम डेटा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है वेयर वी कैन यूज डेटा डेटा हमेशा से एग्जिस्ट करता था डेटा हमेशा से यूज हो रहा है
अब पूरी जो एनालिटिक्स है देयर आर पूरी एनालिटिक्स को ना 6 एम्बियंस में डिवाइड किया जाता है जिसके अंदर सबसे पहली आती है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो कि होता है व्हाट हैपेंड क्या हुआ था एनालिटिक्स की पहली एग्जांपल जो दी जाती है वो पता है कौन सी है इट्स फ्रॉम द स्टोन एज जहाँ पे जो शेफर्ड्स होते थे जो लोगों ने अपनी शीप्स रखी होती थी तो उन लोगों को अपनी शीप्स काउंट करनी होती थी उसके लिए उन्होंने टैली मार्क्स बनाए थे आप इसे किसी को पता है टैली मार्क्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 That was the first form of analytics. वो लोग भी डेटा यूज कर रहे थे उस टाइम भी डेटा हैड इट्स इम्पोर्टेंस व्हाट्स द डिफरेंस नाउ डेटा तभी बहुत इम्पोर्टेंट था डेटा अब भी बहुत इम्पोर्टेंट है चेंज क्या हुआ है इज द टेक्नोलॉजी इज द एक्सेस टू द डेटा इट्स द मैनिपुलेशन टू द डेटा विच वी कैन डू तो सबसे पहले क्या है बड़ी सिंपल फॉर्म है वॉट हैपेंड हम ये पहले देख रहे होते हैं कि क्या हुआ अब मैं सेल्स वाला मैं चैनल प्लानिंग को मेरा काम पूरा दिन सेल्स देखना भाई कितना रिचार्ज बिका कितनी समय बिकी पूरा दिन सबसे पहली चीज मैं क्या देखता हूँ कल मेरा कितना लोड बिका कल मेरी कितनी सेल्स बिकी दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच आई डू व्हाट इज हैपनिंग फिर अगला सवाल आप पूछते हो अच्छा आज मेरी सेल्स ज्यादा हुई है तो क्यों ज्यादा हुई है दैट्स द क्वेश्चन आई नीड टू आंसर हाउ वुड आई आंसर दिस क्वेश्चन विद डेटा बाय डेटा अब मैं डेटा देखूंगा अब क्या कर रहा हूँ अच्छा सही है मेरी सेल ज्यादा हुई कैसे ज्यादा हुई हाउ वुड डेटा हेल्प मी एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन द पैटर्न्स एंड द कंज्यूमर ट्रेंड्स मैं ट्रेंड्स देखूंगा कि अच्छा ये एक जैसे दिस इज अ पर्टिकुलर रीजन इसकी सेल जो है इतनी थी आज ज्यादा हो गई है आई हैव आइडेंटिफाइड व्हाट हैपेंड अभी तक मैंने व्हाट हैपेंड आइडेंटिफाई किया व्हाट इज हैपनिंग आइडेंटिफाई नहीं किया नाउ व्हाट आई विल डू मैं जाके देखूंगा अच्छा इस रीजन के अंदर क्या दूसरे वेरिएबल्स चेंज हुए हैं व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो वहां पे चेंज हुए हैं अब देयर आर टू थिंग्स हाउ आई कैन नो माय एक्सप्लोरेशन मोड में जा रहा हूं ईदर आई वुड डू दिस एक्सप्लोरेशन थ्रू क्वांटिटेटिव मेजर्स नंबर्स डेटा से मुझे पता चलेगा मैं बाकी केपीआईज देखूंगा मुझे आइडेंटिफाई कर देगा अच्छा यार ये केपीआई चेंज हुआ है तो ये हुआ है या सिर्फ दूसरा रीजन क्या होगा मेरी लाइफ जैसे सेल गिर गई अब डेटा मुझे नहीं पता रहा कि क्यों गिरी है पूरे पाकिस्तान का ट्रेंड नीचे गिरा हुआ है देयर कुड बी अ रीजन कि कल पूरा दिन बारिश होती रही है जिसकी वजह से मार्केट्स बंद थी या लोग बाहर नहीं निकले सो डेटा होना बहुत अच्छी बात है लेकिन डेटा अलोन नेवर एक्सप्लेन्स एनीथिंग आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आना चाहिए सो यू नीड टू नो अदर फैक्टर्स ऑल्सो यू नीड टू नो योर बिजनेस यू कॉन्टेक्स्ट एनवायरमेंट आपको पता होना चाहिए आपको अपना बिजनेस पता होना चाहिए आपको अपनी इंडस्ट्री पता होनी चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको वो पता होने चाहिए सिर्फ डॉलर ऊपर चला गया उसकी वजह से हम अपना टारगेट नहीं अचीव कर सके सो मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर भी बिजनेस में बहुत ज़रूरी हो जाते हैं वॉट इज हैपनिंग मुझे पता चला वॉट इज हैपनिंग कि सेल्स नीचे चली गई ऊपर चली गई किस वजह से गई कोई भी वेरिएबल हमें आइडेंटिफाई कर दिया अच्छा ये वेरिएबल चेंज हुए जिसकी वजह से मेरी सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट आया व्हाई इज इट हैपनिंग वो फिनोमेना क्यों अकर हो रहा है वो रूट कॉज जो मैंने अगर आइडेंटिफाई किया है तो अब वो फिनोमेना क्यों अकर हो रहा है जिसकी वजह से मेरी सेल्स इम्पैक्ट हो रही है अब मैंने उस फिनोमेना को डिस्कवर करना है टू डिस्कवर दैट फिनोमेना आई वुड नीड टू यू नो डू एनालिसिस ऑन अ डिफरेंट सेट ऑफ डेटा So that's the next question which I need to answer. Ek dafa maine wo yes. So can you give an example of the phenomena? इसकी एग्जांपल वैसे अगले पेज पर आई थी लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ एक रिटेल स्टोर की एग्जांपल लेते हैं बड़ी सिंपल जैसे यहाँ पे बिकॉज वी हैव अ गुड रेशियो ऑफ फीमेल्स तो हम खाड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं सही हम आपने देखा आपकी सेल नीचे गिरी है आपने पहली रिपोर्ट ली आपकी सेल नीचे क्यों गिरी आपने ये देखना शुरू किया मैं उसको मेजर करूंगा कि यार मैंने टाइम वाइज लेंसेज से मैंने देखा कि यार सुबह के टाइम सेल नहीं हो रही होती या मैंने सेक्शंस के ऊपर डिवाइड किया मैंने देखा यार मेरा मेल सेक्शंस मैं आपको बल्कि बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ क्योंकि कल मैं एक जगह बैठा कंसल्टेंसी कर रहा था बहिया के अंदर एक रेस्टोरेंट है फ्राइंग पैन वो मुझे कह रहा था कि यार सर मेरी सेल नहीं हो रही होती मैंने उसका डाटा एनालाइज करना शुरू किया उसकी टोटल सेल हो रही थी 9 बजे से 11 बजे के बीच में उसके मेन्यू में ना सबसे ज्यादा आइटम्स ब्रंच आइटम्स हैं जो वो रात को भी सर्व कर रहा होता है सो हो क्या रहा था कि दैट प्लेस वाज फेमस फॉर ब्रंच लोग वहां ब्रंच टाइम पे जा रहे थे 11 से 1 और हलवा पूड़ी पराठे वगैरह खाने
लेकिन शाम को वही हलवा पूरी और पराठे दोबारा सर्व कर रहे हैं, लेकिन शाम के टाइम उसका पूरा रेस्टोरेंट फ्री होता था, वहाँ पे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा चाय की या समोसों की सेल थी। सो वो सारे एनालिसिस आपने करना शुरू किया गया, ये सेल थी, फिर आगे देखा व्हाट काइंड ऑफ अ सेल, टाइम से गए, टाइम के बाद में आइटम्स पे गया, मैंने उसका एनालिसिस किया। सो आगे उसको मेरी अगली रिकमेंडेशन थी कि इस टाइम स्लॉट के ऊपर यू नीड टू नो कि यहाँ पे जो आपका कस्टमर आ रहा होता है वो क्या इंटरेस्ट, व्हाट योर कस्टमर इंटरेस्टेड है, आप वो वाले आइटम्स वहाँ पे रखो, या तो आप कॉन्टेक्स्ट चेंज करते हो थ्रू ब्रांडिंग, क्योंकि एक छोटे बंदे के पास इतना मसल पावर नहीं होता है कि वो बहुत ज्यादा ब्रांड करके डायनामिकली चीजें शिफ्ट करे। चिका चीनो के पास था, उसने ब्रांडिंग करके पूरा कॉन्टेक्स्ट उस जगह का चेंज कर दिया। फ्राइंग पैन वाले के पास नहीं है, वो वाले पास बड़ी लिमिटेड सी इन्वेस्टमेंट है, सो ही नीड्स टू चेंज हिज मेन्यू। अब आपने एक्शन क्या लेना है ये आपकी अपने बिजनेस पे डिपेंड करता है, आपके उस कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स अगली चीज आती है, अच्छा ये हो गया, नाउ आई डू फोरकास्टिंग कि अच्छा अब मैंने ट्रेंड अगर रहा तो यही ट्रेंड रहेगा कि मेरी सेल्स डाउन हो रही होगी, अब डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो मेरी सेल्स डाउन कर रहे हैं, वहां पे आई नीड टू टेक सम एक्शन, और उस एक्शन के ऊपर मुझे कुछ फोरकास्ट भी रन करनी पड़ेगी। अभी आज मेरे पास कोई डाटा नहीं है शायद वो फोरकास्ट करने के लिए, आई टेक एन एक्शन, मैं उसके बाद देखूंगा उस एक्शन के ऊपर मुझे मार्केट से या मेरे कस्टमर्स ने क्या रिएक्शन दिया है, एंड देन आई डू अनदर फोरकास्टिंग। फिर मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उस मशीन के पास डाटा ज्यादा होता रहेगा उसकी आउटपुट उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होती रहेंगी। एंड में पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स, हाउ डू आई टेक एडवांटेज ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन, मैंने एक्शन क्या लेना है, इवन व्हाट एक्शन आई नीड टू टेक, वो जो है वो भी मैं सॉरी हाँ यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा। उसके लिए हम एबी टेस्टिंग यूज करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो हाउ अब मुझे एक चीज पता चल गया, दिस इज समथिंग आई नीड टू डू, अब वही एक काम करने के देर कुड बी मल्टीपल वेज। सिंपल सी है, मुझे रेड कलर का आइकॉन लगाना है या मुझे येलो कलर का आइकॉन लगाना है, अक्सर तो इस बात के ऊपर बहस होना शुरू हो जाती है। हाउ डू यू डिसाइड इन अ डिजिटल वर्ल्ड मैंने क्या करना है, एबी टेस्टिंग That's what we do. आप क्या लेते हो कि दो samples लेते हो जो identical होते हैं, दोनों को आप एक जैसा exposure देते हो, but changing only one variable, मैंने logo change कर दिया, मुझे किस logo पे ज़्यादा अच्छा response आया है, this digitalized world allows me to you know measure that entire thing, मैंने देखा कि यार Facebook के ऊपर ही लेज़र से इस picture के ऊपर आप लोगों ने different response दिया है, इस icon के ऊपर different response दिया है, जिस icon पे मुझे ज़्यादा response आएगा, I'll select that icon. एंड में एक्सपेरिमेंटल एनालिटिक्स, हाउ वेल इट वर्क, मेरी एक कैंपेन थी मैंने लॉन्च की, उसका क्या इफेक्ट आया, आई डू द एनालिसिस, नेक्स्ट टाइम उस पूरा का जो पूरा मेरा इनपुट है वो मैं अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर उसको यूज करूंगा, दिस इज माई डिसीजन मेकिंग। व्हेन इट कम्स टू मशीन लर्निंग, वो फीडबैक लूप हम मशीन लर्निंग को बोल देते हैं। नाउ वेयर द मार्केटिंग इज गोइंग, वहां पर एक ह्यूमन माइंड के लिए पॉसिबल नहीं था इतनी ज्यादा वेरिएबल्स को कैटर करना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर लेटिंग मशीन अलाउ हाउ टू डू इट। ये इस पूरे एक लेक्चर के बीच में एक लेक्चर आता है जहाँ पे आई टेल यू हाउ वी इम्प्लीमेंटेड मशीन लर्निंग इन जेल्स, लाइफ पैशन एल्गोरिदम है वो किसने इम्प्लीमेंट किया, और उसके अलावा नेटफ्लिक्स का जो एल्गोरिदम है, आप इसे कितनों ने नेटफ्लिक्स का एल्गोरिदम पढ़ा हुआ है, आप इसे कितने लोग हैं जो नेटफ्लिक्स, लाइक चलो 50% लोग जो है फिर भी नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन पसंद कर रहे हैं। सो लाइक वट आई कैन, जितना डाटा मुझे अभी मिला 50% एक्यूरेसी है नेटफ्लिक्स के एल्गोरिथम के, विच इज स्टिल वेरी गुड, तो वो सारा किस तरह से हो रहा होता है, नाउ मशीन इज टेकिंग दोस डिसीजंस, जो साथ में आपको बताया, लेकिन मशीन ने वो डिसीजन लेना किस तरह, वो पूरी कॉन्फ़िगरेशन दैट्स बीन डन बाय द ह्यूमंस। अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम काफी चीजें, ये एक आपको मैंने वीडियो दिखानी थी लेकिन सॉरी अभी हम वीडियो स्किप कर रहे हैं, अगला आ जाते हैं कि हम हाउ वी आर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग, और हम लोगों का स्पेंड जो है वो टीवी से किस तरह डिजिटल की तरफ मूव हो रहा है, इवन टीवी इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल। इस टाइम दुनिया का 15% ऑफ द इंटरनेट इज बीन कंज्यूम्ड बाय नेटफ्लिक्स, अमेरिका में मोर देन 50% लोग जो है ना पेपर व्यू से जो है नेटफ्लिक्स की तरफ, वो डिजिटल टीवी चैनल्स की तरफ मूव कर चुके हैं। So that's how important that entire digitalization is, your question. उसने अपना एक सिस्टम खरीदा हुआ है ऑनलाइन, आपके पास ना पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लोग अक्सर फ्री भी अवेलेबल होते हैं,
वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम आया, मैंने वहाँ से लिया, आगे मैंने अपने एनालिटिक्स रन करना एक्सेल के ऊपर शुरू कर दी। ये सारा कुछ करने के लिए बड़ा फैंसी कुछ नहीं आपको करना था, यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स ऑन एक्सेल। आगे जितना आपने अपने आपको एम्पावर करना उतना ज़्यादा आपको सिस्टम्स लगाने होते हैं। लेकिन इन टुडेज वर्ल्ड इवन आपने अगर फेसबुक पे मार्केटिंग करनी है, आपको वो फेसबुक के ऊपर आज तक किसी ने ऐड लगाई है यहाँ पर? आप लोग सेगमेंटेशन करते हो, उस सेगमेंटेशन की फीडबैक आपको फेसबुक देता है, इवन गूगल एनालिटिक्स आपको पूरे डैशबोर्ड बना के देते हैं आपने सारा कुछ क्या करना है। आपका जितना स्केल है उस स्केल के ऊपर आपको एनालिटिक्स रन करनी है। सो इट रियली डजंट मैटर्स कि आपकी स्मॉल इन्वेस्टमेंट है या बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इट्स द टाइम विच यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन यू नो एनालाइजिंग द डेटा टू अंडरस्टैंड योर ओन बिजनेस बेटर। सॉरी मुझे सीधा आउट टाइम पर आना है बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। So, Sada, apne kuch comment karna. I understand that most of you have a class, but do you want this session to be extended a little bit? Yes. No. Yes. No. Please. हम course outline अभी बता देते हैं और जिनकी class नहीं है वो बैठे हैं और बाकी can go. I think they can stay. अच्छा सो दिस गिव्स अस टाइम फॉर द वीडियोस माय फेवरेट पार्ट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव आर कार एंथुसियास्ट? वन ओके आई मस्ट वन Nissan. अच्छा, I am a very big car enthusiast. Formula One कौन कौन follow करता है? Follow कोई नहीं करता, वो पीछे है। अच्छा, कौन है? क्या नाम है? सर, कौन सा driver जा रही है इसमें? Hamilton is a very good driver. Under pressure, he's an excellent driver. But I want to see what Charles Leclerc will do with Ferrari this year. So, sir, agar aap ek second pause kare. Formula One, jo hai, basically, why I am referring Formula One in data analytics because it is the pinnacle of motorsports. Take it. It is the second closest industry to aerospace engineering. Rockets and NASA ke baad jo number two most technical and advanced industry aati hai, that is Formula One. So it burns a lot of cash on research and development, on testing. So it has an enormous amount of data available. Theek hai? What I'm trying to tell you is ke डेटा को आप कहाँ कहाँ पर उसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है। सो आई अंडरस्टैंड कि ऑल ऑफ यू आर फाइनेंस पीपल है मोस्टली, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि यू नेवर पुट ऑन दोज फ्लैपर्स, जिस तरह से घोड़े की आंखों के ऊपर लगाए जाते हैं ना दो, वो आप लोगों ने कभी नहीं लगाने, बिकॉज इफ यू पुट ऑन दोज देन यू विल नॉट सी दैट। हाउ डू यू सी लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि वेदर का कोरिलेशन क्या होगा इस डेस्क की प्राइस के साथ? I have
an example. Please. Sorry. Correlation में उन्होंने बोला तो एक सुपर स्टोर थे अमेरिका में ट्राइवेट चेन ऑफ सुपर स्टोर तो उन लोगों ने अपना डेटा एनालिटिक्स रन करना शुरू की तो दे रियलाइज कि पैंपर्स और बियर्स है ना दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तो उसके बाद दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि यार ये क्यों है रिलेशनशिप तो उनको पता ये चला कि बाप आता है पैंपर खरीदने और वो बियर भी खरीद के चला जाता है तो इसके ऊपर एक्शन विच दे टुक अच्छा ये तो इन्फॉर्मेशन होना इज वन पार्ट हमने एनालिटिक्स रन की इन्फॉर्मेशन आ गई लेकिन द रियल ब्यूटी ऑफ डाटा इज कि आप उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक्शन क्या लिया टू यू नो बेनिफिट योरसेल्फ उन्होंने क्या किया है कि एक एंड के ऊपर उन्होंने पैंपर रखे और पूरे स्टोर के दूसरे एंड पे उन्होंने बियर रखी ताकि वो जब आएगा बंदा बाप उसने पैंपर और बियर जब लेना है पूरा स्टोर घूमेगा ही वुड गेट अ मैक्सिमम एक्सपोजर यहाँ पे मार्केटिंग वाले तो बहुत अफसोस हो रहे हैं वरना सेल्स के ऊपर एक जो सबसे पहली जरूरी चीज़ होती है ना दैट्स अवेलेबिलिटी एंड द सेकंड थिंग इज विजिबिलिटी तो द अमाउंट ऑफ विजिबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स व्हिच दे हैव क्रिएटेड इज एनॉर्मस कि वो पूरा स्टोर घूमेगा और फिर वो जाएगा बिकॉज दे नो द फिनोमेना द रिलेशनशिप जो था तो द रिलेशनशिप वैसे आप किसी को बोलोगे यार पैंपर और बियर में होगा तो आई डोंट थिंक सो लोग बाय इन कर रहे होंगे बट द डेटा टोल्ड अस के इन दोनों का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इन सुपर स्टोर्स इन अमेरिका राइट सो मतलब बियर पैंपर्स नहीं यार राइट सो एज फाइनेंस पीपल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस there is something which is called a correlation. Anything can be correlated to anything. So there is a very simple philosophy. Correlation versus causation. Okay? Two different things. Correlation versus causation. Anybody would like to take a shot on this? Absolutely right. So, there are anybody else? So, बिल्कुल. एक के बाद एक चीज जरूर हो सकती है जब एक के बाद एक चीज हो रही होगी हम उसको कॉजेशन बोल रही है कि भाई इसकी वजह से ये वाली चीज होगी राइट बट most of the time do cheeze parallel chal rahi hoti hain you need to identify those patterns as an analyst not a financial analyst per se but it includes this is what we do this is how we see things we try to undermine those small patterns jahan se hum apni finance ki process improvement cost optimization revenue enhancement mein plug in kar sakte theek ho gaya so formula 1 ke upar हम क्यों आ रहे थे वो इसलिए आ रहे थे कि दिस इज एन इंडस्ट्री विच यूटिलाइजेस एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा और वो अपनी कॉस्ट स्टाफ वेदर एरोडायनामिक्स विंड टेम्परेचर विंड स्पीड टायर प्रेशर टायर डिग्रेडेशन एवरीथिंग इवन द ड्राइवर्स वेट इज टेकन इनटू अकाउंट व्हेन दे कैलकुलेट द फोरकास्ट कि यार हम लोग जीतेंगे ये रेस या नहीं जीतेंगे Let me repeat what I just said, because it has an enormous amount of implication what I just said. What they do is they take in everything and then they project, they forecast कि क्या हम ये रेस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, right? Students, जो कि आयशा परवेज के साथ क्लास में कॉल की थी, लेकिन ओह अच्छा
हम चला रहे data which informs and explains how the car is performing. Telemetry is the measurement and transmission of data from the car back to the pit wall and garage. Sensors measure a multitude of temperatures and pressures, engine and car performance, and these are sent to the team servers. To keep track of all the information, the role of data engineer has grown in importance. The data engineer covers every aspect of the car: electronics, gearbox, driveline, aerodynamics, and engine. Each driver has a team of engineers monitoring his every move. While the race engineer spends the sessions on the pit wall, the backup team consists of a performance engineer, a control systems engineer, and two engine engineers. In the past, engineers could make adjustments to the cars from the pits, but now drivers have to make any changes. Mercedes team principal, Ross Braun. And then we were making changes on the car. We were sending messages to the car to adjust it to get the best for the performance. If data engineers spot anything on their screens that could improve performance, they'll be straight on the radio to inform the race engineer, who, in turn, passes it on to the already very busy driver. In a typical race, I might shift about 3,100 times. So you can imagine that all I'm doing all the time is like shifting. And at the same time, I need to change brake balance, switch on the curves, the rear wing, the differential. So there's a lot going on in the cockpit. After each race or test session, all the data is gathered to see how the car can be made faster. Drivers download their thoughts while the engineers have a methodical list to cover all the major systems on the car. It's a complex jigsaw puzzle, but one where the human input of the driver is still vital. Understanding the data, then making adjustments, is a partnership between engineers and driver. One of the high-tech fascinations of Formula One. Interesting? Yes. Yes. Acha. So now I'll just try to wrap the session up. Data analytics, finance, technology equals to fintech, right? This is the future. Balance sheets, income statements, contribution margins, they can all be calculated at aapke whims ke. You will not need, so we need to understand how is everything changing, and we need to set and align our skill set to be more relevant when that time comes. You people are on a very good platform. Now you'll be starting your careers. So you need to be aware, more importantly, ki yaar kya chal raha hai industry ke andar, how is it going to shape. We are dinosaurs. So yeah, we have done all of that. So for example, jis tarah Haroon saab ne abhi aapko bataya tha, a major part of what we do is forecasting. Right? Forecasting kya humne kari hai as a financial planning analyst. I forecast कि यार मेरा next month का target कितना होना चाहिए जो कि मैं हर उस आपको दूंगा, ठीक है?
कि यार इतना आपने अचीव करना है मुझे, हाउ डू आई डू दैट? हिस्टोरिकल थिंग्स, दैट इज वन. यस, व्हाट एल्स? टेक्निकल, टेक्निकल एनालिसिस. ओके, एनीबडी एल्स? Changing trends, excellent, excellent. Macroeconomic factors. Machine learning forecasting. Machine learning is a step ahead. मैं कह रहा हूँ कि simple forecasting मुझे Excel पे बैठ के करनी है. मैं किस तरह करूँ? ठीक है, previous data हो गया. What else? हम वो variables भी ढूंढने की कोशिश करेंगे जो इम्पैक्ट कर रहे हैं मेरी जो जिस चीज को भी मैं फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. सिलेक्शन तो सराउंड करनी पड़ेगी ऑफ व्हाट फैक्टर्स इम्पैक्ट विद व्हाट डिग्री एंड व्हाट कोरिलेशन. पहले सबसे पहले तो मैं ढूंढूंगा वो वेरिएबल्स कौन से जिन वो हैव द हाईएस्ट कोरिलेशन. बाद में मैं उनका ट्रेंड देखूंगा, उन्हीं के ऊपर फोरकास्टिंग करूंगा. किसी ने बिजनेस अपना रन किया, बेशक छोटा सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टॉपिक है, आपने अपनी कभी सेल्स को मॉनिटर किया और आपने ये देखा कि यार नेक्स्ट मंथ मेरी सेल्स की जो मेरी कॉस्ट क्या जा रही होगी? सर मॉनिटरिंग थोड़ी बहुत की थी बट इट वाज अ लॉन्ग व्हाइल बैक. नो वरीज. सो द लिटिल बिट ऑफ डेटा वी कुड गैदर अप, इट डज हैव मीनिंग एंड इट डज शो हाउ एग्जैक्टली आवर मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज वर्किंग एंड आर वी पुटिंग आवर एड्स अप टू द राइट फोक्स, आर दे मेकिंग द कॉल्स दैट दे नीड टू मेक फॉर अस टू मेक मनी. सो यस, ऑल ऑफ दैट डज कम इनटू प्ले, बट एट दैट टाइम वी जस्ट हैड अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ. नाउ इमेजिन दैट इफ यू नो द राइट स्किल सेट व्हाट यू कैन डू, राइट? सो एट द एंड ऑफ द डे, अच्छा जस्ट अ फूड फॉर थॉट बिकॉज़ द टाइम इज ऑलमोस्ट अप. Before I show you one last thing, दुनिया की valuation जो है ना वो change होती जा रही है, right? So let's say for example, if I say as finance managers, how are you going to evaluate a company or a product? आप लोग किस तरह से करेंगे? Indicators देखेंगे, okay? क्या indicators होंगे? I need specifics. Revenues, consumer base, growth. Okay, revenues, consumer base, growth. Okay, fine. मार्केट शेयर, राइट? एनीथिंग एल्स? मैं उसको फाइनेंस के टर्म्स में उन चीजों को मैं किस तरह से कैश फ्लोस, हाँ कैश फ्लोस, व्हाट एल्स? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, एक्सेलेंट. व्हाट एल्स? आरओआई. हू सेड दैट? ओके ग्रेट. सो देयर आर गोना बी सम लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स दैट गो इन सिंक. ठीक है, फाइन. व्हाट एल्स? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एबिटडा, राइट? एबिटडा किस किस को नहीं पता? एबिटडा आपको नहीं पता? एबिटडा इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स. ठीक है, सॉरी, वन क्वेश्चन प्लीज. व्हाट इज एबिटडा? Earnings before interest, tax, depreciation and amortization. So what is happening now is that abhi valuation hamari only hoti hai P&L's ke upar, profit and loss statement ke upar. Theek hai, is company ka kitna percent margin tha, 17% pe kaam kar rahi thi, last year inka 16% pe tha, ye badi fit cheez hai, right? Today, this landscape has changed. I'm not saying it is changing. It has changed. How? Now, startups ki valuation aati hai. Now, we don't talk about profit and loss statements anymore. We talk about balance sheets. Theek hai? Hum asset base ki baat karte hain. Hum ye baat karte hain ki yaar, aapki company ki valuation kya hai? Facebook ki value kya hai? What is Facebook's value? Future cash flows. What is Facebook current value? The value, the market value. I read that Uber is one of the most highly valued company and it is about $72 billion. $72 billion, okay. Take it. So that number is valuation of what? Stock,
It is the valuation of that company. It's the value of a user. It's no, it's the value of the company that if I want to purchase, मुझे नहीं क्या है उसका debt क्या है customer base क्या है वो मैं देख नहीं रहा हूँ मैं उसकी valuation देख रहा हूँ so what एक venture capitalist क्या करता है वो मेरे पास अगर 1,00,000 रुपए हैं तो मैं उसको 10 different 10 10 10,000 20,000 30,000 मैं 6-7 different startups में मैं invest कर दूँगा मैं आपको बिल्कुल pure फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी में समझाने की कोशिश करूं, राइट व्हाट आई डू इज आई वेट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ एनी ऑफ दैट कंपनी टू ग्रो एंड देन दैट विल पे मी ऑफ तो मैंने हो सकता है कि बाकी सारे के सारे फेल कर जाए एक चल जाएगा मिसाल के तौर पर बाई किया और मैंने उस पर 10,000 रुपये डाले थे और आज वो मुझे 2,00,000 रुपये दे दिए वंस जैसे उसकी वैल्यूएशन 2,00,000 रुपये होती है आई सेल दैट कंपनी ऑफ आई टेक दैट 200,000 So I made 100,000 over and above my initial investment. Is everybody with me? Yes. Okay. I made 100,000 over my 1,00,000 rupees. और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ? मैं वो 1,00,000 रुपए separate करता हूँ और मैं दोबारा 1,00,000 रुपए लेता हूँ और मैं 60 different ventures में मैं invest कर देता हूँ. This is the cycle for technology जो कि आजकल चल रहा है. Fintech is part of that. So now there are softwares out there जो कि आपकी आपकी फोरकास्टिंग खुद बैठ के कर रही है जो कि आपकी बैलेंस शीट्स ऑटोमेटेड बना रही है जो कि आपकी इनकम स्टेटमेंट्स बना रही है जो कि वैल्यूएशन आपके लिए कर रही है जो कि स्टॉक्स की मॉनिटरिंग उनकी परचेज और सेलिंग डिसीजन आपको बना के देता है दिस इज व्हाई इट इज एब्सोल्युटली इंपेरेटिव दैट यू नो व्हाट द फ्यूचर इज एंड देन यू एक्ट अपॉन इट As somebody who is venturing into this. The by the way, valuation to digital companies ki ho rahi hoti hai, that's not how much money they are making ya cash flows ke assets kitne hain. It's the number of customers which they have or the information of the customer, the data of the customer which you hold right now. Us basis ke upar aapki jo hai na evaluation ho rahi hoti hai. WhatsApp didn't make a single penny. Sahi hai na, 65 employees se 5 saal lage rahe customer base build karne. उसके बाद वो फेसबुक ने ख़रीदा था विद दैट कंपनी हैड कोई एसेट नहीं था सिर्फ एक सॉफ्टवेयर था जिस सॉफ्टवेयर की वैल्यूएशन की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा द नंबर ऑफ कस्टमर्स दे हैड विच वर जनरेटिंग जीरो प्रॉफिट ऑल दे वर जनरेटिंग वॉज डाटा अब रेवेन्यू मॉडल जो है ना पैसे से ज़्यादा डाटा की तरफ मूव कर गया बिकॉज नाउ यू आर सेलिंग डाटा सो दैट्स योर बिगेस्ट एसेट राइट नाउ Any questions? Please feel free. Yes. Yeah, I'm exaggerating. But this will happen in the next 50 or 60 years. नहीं एक्सेल है हर जगह एक्सेल ही है कितना मर्जी फैंसी चीजें पढ़ लो एंड में सिर्फ एक्सेल भी सारे काम करेंगे सारी चीजें मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ I don't use word. I have last मुझे याद भी नहीं कि मैंने last word कब use किया। आप लोगों का primary is word? Excel. मैं सारी ज़िंदगी यही है। I can't even remember when word कब last used. So whatever happens is in Excel. Questions, please. Yes. Yeah. What is this Dice Analytics and what's the Capstone project? Why aren't we being delivered this course? Just the outline of it. अच्छा तो दिस इज अ कोर्स दैट वी रन इन डाइस एनालिटिक्स इज अ स्मॉल इंस्टीट्यूट दैट अ कपल ऑफ पीपल स्टार्टेड सो व्हाट दे वांटेड वाज दे वांटेड टू इम्पार्ट द नॉलेज दैट दे गेन्ड ओवर द पास्ट 7 or 8 years देयर आर वेरी देयर प्रोफेशनल्स ब्लॉगिंग फ्रॉम टेलीकॉम प्रीडोमिनेंटली द टेलीकॉम इंडस्ट्री इन ऑफ डेटा वाज So they wanted to share that information and how that information is changing the world. So this is one of those courses which is offered by Business Analytics. So ye uski week 1, week 2, week 3 kis tarah se usko dekhte hain. You are supposed to just look into the topics or something. ठीक है बातचीत जो भी communication है, I will communicate with you. I just want you people to have an idea. About the topics, about any language, but whatever people feel like should be part of
your training or something. मैंने आप लोगों को बोला था आई विल बी सर्कुलेटिंग फीडबैक फॉर्म आप लोगों को यू कैन लुक इन टू दैट एंड देन गिव योर कॉमेंट्स ऑन दैट फीडबैक Any other questions? Yes. Please feel free, yes. You said you do forecasting. What do you know, what's the candy? How many variables you have in aggressors? 2100 variables. So there are basically variables of variables. वो आप वहाँ पे अपने डेटा के अंदर ना कुछ पैटर्न्स निकाल लेते हैं, इस तरह कुछ लोग होते हैं सिर्फ ए कर देते हैं, बी सी डी यू कर देते हैं. तो सबसे पहला काम जो होता है इन प्रिपेयरिंग का डेटा, आपको अपना डेटा क्लीन करना होता है. चर्मी फॉर्म के अलावा जो आपके सोर्स सिस्टम होते हैं तो डाटा ऑटोमेटिकली कैप्चर करके आपको दे रहे होते हैं. इवन उसके अंदर कुछ डिपेंडेंसी आ जाती है, एरर आ जाती है, मशीन एरर आ जाता है. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ इज ऑलवेज क्लीनिंग योर डाटा. मेरी बात कर रहे हैं करीब आपके कुछ क्या भी नहीं था बोले भाई मैं दे देना अपनी सर रेटिंग कर दीजिए. Just take okay, जिन जिन की क्वेश्चंस हैं, they can sit. Class वाले especially, फिर डॉक्टर नदीम वाले, because they're into 15 का. Okay, but if you have any question, आप लोग बैठ. So just to wrap up, yeah.